आखिरकार पुलिस को मशक्कत के बाद मिली सफलता। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में बीते 25 जनवरी को सर्राफा व्यवसायी अजय कांत सोनी के साथ हुए जघन्य अपराध, लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने मामले से जुड़े 3 शातिर अभियुक्तों को दबोच लिया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने लूटी हुई संपत्ति के साथ साथ अवैध शस्त्र, मोबाइल फोन और नकद 45,000 रुपये भी बरामद किए हैं। इस बाबत पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 25 जनवरी को पनवाड़ी थाना क्षेत्र निवासी सर्राफा व्यवसायी अजय कांत सोनी को घर वापस जाते समय 3 व्यक्तियों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर सर्राफा व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया था और बदमाश फरार हो गए थे। इसके बाद सर्राफा व्यवसायी अजय सोनी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर टीमें गठित कर मामले से जुड़े 3 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और लूटी संपत्ति भी बरामद कर ली। देखिए, दिनांक 25 जनवरी को शाम के समय थाना पनवाड़ी महोबा में एक घटना हुई थी, जब वहीं के निवासी श्री अजय कांत सोनी, जो कि एक सुनार थे, वे अपनी दुकान बंद करके जब अपने घर को चले थे, तब उनपे 3 बाइक सवार बदमाशों ने अटैक किया था व उनका बैग छीन के भाग गए थे, जिसमें श्री अजय कांत सोनी चोटिल हुए थे और उनको झांसी रेफर किया गया था, जहां उनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें यह बहुत ही गंभीर प्रकरण था, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था व विभिन्न टीमों का इसमें गठन किया गया था। सभी उच्चाधिकारियों द्वारा, उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम महोदय द्वारा भी सीन को विजिट किया गया था व उचित निर्देश दिए गए थे। इसके अंदर सर्वेलेंस, CCTV व मुखबिरी, 3 चीजों पर विभिन्न टीमें लगातार काम कर रही थी और कुछ लोगों को चिन्हित किया गया था। इसी क्रम में कल रात को मुखबिर की सूचना मिली कि आपके द्वारा जो चिन्हित किए गए व्यक्ति हैं, वे पहाड़िया में रात के समय माल बांट रहे हैं, आप आए तो इन्हें पकड़ा जा सकता है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पे 3 लोग इस तरह के कार्य कर रहे थे, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, जिस पे वे वहां से भागने लग गए और उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंका गया। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 अभियुक्त आनंद प्रजापति, जो कि निवासी ग्राम इंदरगढ़ जिला दतिया है, व शहीद, जो कि पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी ग्राम मोहल्ला अलीपुर थाना पनवाड़ी है, इन दोनों को इसमें गोली लगी, साथ ही पैर में गोली लगी। साथ ही अब्दुल हमीद, इसको वहां से गिरफ्तार किया गया, जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। इन लोग के पास से लूटे हुए लगभग 1 किलो सोने व 12-12.5 किलो चांदी के जेवरात, 45,000 रुपये, 2 तमंचे, जिंदा व यूज्ड कारतूस, मोबाइल फोन, इस तरह की सभी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।